नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूजिक गैंगवे में। जैसा कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इस क्रम में आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेकर आए हैं और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। एक मॉक टेस्ट ही है आप सभी का, जैसा कि मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ, लाइव में भी होता है। अभी तो लाइव आने का समय नहीं लग रहा है क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा चल रहा है। तो अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही देखते हैं कि आज के मॉक टेस्ट में आप सभी का कितना नंबर आ रहा है, जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है। पहला थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन था, उसमें थोड़ी त्रुटि थी, इसलिए दूसरे से चलेंगे। लास्ट में उसको भी हम लोग देख लेंगे क्या उसमें दिक्कतें हैं। ठीक है, चलिए इसको ही पहला मानते हैं। सड़ज में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 2, 3, 4, 6। तो जैसा कि आप लोगों को मैं कई बार बताया हूँ कि जो चतुश्चेव सड़ज मध्यम पंचमा वाली जो सूत्र है उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, सभी लोग कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, बार बार कहता हूँ क्योंकि वो बेहद ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे हमारे श्रुति व्यवस्था जो होती है और हमारे जो सातों स्वर है उनकी कितनी कितनी श्रुतियाँ होती है, बार बार क्वेश्चन में आता है, कहीं ना कहीं से घुमा कर वो पूछ ही देता है। ठीक है, चाहे ग्राम हो, मूर्छना हो, सारणा हो या श्रुति व्यवस्था हो, श्रुति हो, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आता ही है। तो अगर उस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सा म प की चार चार श्रुतियाँ होती है। एक बार और मैं चर्चा कर दूं, सा म प और उसके बाद ग नी, उसके बाद रे ध। ठीक है, तो इनकी चार चार श्रुतियाँ होती है। ठीक है ना, चार सा की, चार म की, चार प की, ग और नी की दो दो श्रुतियां होती है। ठीक है ना, और रे और ध की तीन तीन श्रुतियां होती है। ठीक है, और यहां देख लेंगे सा रे ग म प ध और नी, तो क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2। ठीक है, यहां पे हो गया 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2। ये सड़ज ग्राम का फॉर्मूला होता है श्रुति व्यवस्था का। तो सड़ज में कितनी श्रुति होगी? सी ऑप्शन सही होगा, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संगीत का मुख्य आधार है ध्वनि लय, ध्वनि ताल, ध्वनि बंदिश, लय बंदिश। तो इसमें क्या मुख्य आधार हो सकता है? ध्वनि लय से भी नहीं चल पाएगी, ध्वनि बंदिश से भी नहीं चल पाएगी, लय बंदिश से भी नहीं चल पाएगी, यहाँ पे ध्वनि ताल। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्वनि और ताल, ठीक है, आवाज और ताल, स्वर यानी कि सुर और ताल, ये दो जो है संगीत का मुख्य आधार होता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? संगीत चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है? समान है, समान लिखा है, लय शब्द चित्र रंग। तो इन सभी में क्या समान है? प्रश्न तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उतना। संगीत चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समान है? तो इसमें क्या समान हो सकता है? तो लय शब्द चित्र रंग। अब संगीत चित्रकला और काव्य, इन तीनों में शब्द समान है। ठीक है ना, शब्द समान है। सारंगी इसराजवाद्य किससे बजाया जाता है? मिजराब, जवा, गज, हथौड़े। तो सारंगी आप लोग देखे ही होंगे और मिजराब दोनों ही आपके किससे बजाए जाते हैं? गज से बजाया जाता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सारंगी और इसराज, ठीक है, सारंगी और इसराज इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है और ऐसे बजाया जाता है, तत्ववाद्य यंत्र होता है।
छह नंबर क्वेश्चन है, संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए संगीत नाटक अकादमी जो है दिल्ली में है, कई जगहों पर उसकी संस्था है, और रिसर्च की जहां तक बात आती है तो ये है कलकत्ता में, ठीक है ना, संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन है, गमक के कुल प्रकार है, गमक के कितने प्रकार होते हैं? बार बार बताया जाता है, कितने प्रकार बताएंगे संगीत रत्नाकर में? 7, 12, 15, 14, तो संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार बताए गए हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन को इतना बार रट जाना है कि फिर कभी भूले ना। सितार में अनुनाद के लिए तारों का प्रयोग होता है, बाज का तार, तरब का तार, चिकारी का तार, जोड़ी का तार। तो यहाँ पे बाज का तार तो बजाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे अनुनाद के लिए, ठीक है, अनुनाद, कंपन अनुनाद, उसके लिए जोड़ी का तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है दक्षिण पद्धति का तिल्लाना, ठीक है, तिल्लाना किससे साम्य रखता है, किसके समान होता है? कृति, तराना, जावली, फग, यहाँ पे लिखा है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, जावली तो ठुमरी का हो जाएगा, तराना जो है आपका तिलाना के समान होता है, ठीक है ना। यहां पे आ जाइए, अर्धदशक स्वर कहा जाता है, किसको अर्धदशक स्वर कहा जाता है? कोमल ऋषभ को, पंचम को, सुधनी को, सुधमा को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे अर्धदशक स्वर। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये अगर आप भूल गए तो समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, क्या है, सुधमा, क्या होता है, अर्धदशक स्वर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? मिश्र बंधु, गुड़ेचा बंधु, वडाली बंधु, शर्मा बंधु, ठीक है। तो आइए, क्या है इसमें, आपके मिश्र बंधु हो जाएंगे, ठीक है, मिश्र बंधु ध्रुपद गायक हैं। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? विश्वमोहन भट्ट, निषाद खां, देवेंद्र मुर्देश्वर, अलाउद्दीन खां। तो सितार वादक, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर जी के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खां, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खान हो जाएंगे सितार वादक, सरोद वादक थे मुख्य रूप से। राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रमशः किनके समान है, ठीक है, किनके समान है, यहाँ पे समान होना चाहिए। राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रमशः किनके समान है? भैरव कल्याण, भोपाली कल्याण, भोपाली बिलावल, भोपाली भैरव। तो यहाँ पे जो होता है भूपाली और शुद्ध कल्याण, ठीक है, ये दोनों के जो आरोह होते हैं समान होते हैं, ठीक है ना, भोपाली और कल्याण, ठीक है, इसको भूप कल्याण भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर शुद्ध कल्याण के नाम से जाना जाता है। झप ताल के एक आवर्तन में पंचम सवारी को लिखने पर होगा, आप देखिए झप ताल कितने मात्रा का होता है, 10 मात्रा का। देखिए कुआड़ बियाड़ दुगुण आड़, तो कुआड़ बियाड़ आड़ दुगुण तिगुण, इसका भी वीडियो लेक्चर चला गया, उसको देखेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। अब ये 10 मात्रा है, इसको 15 मात्रा बनाना है तो 1.5 मात्रा बनाना पड़ेगा एक मात्रा में, तो वो क्या हो जाएगी, कौन सा लय हो जाएगी, वो हो जाएगी आड़, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, फरदोश ताल में कुल मात्राएं होती है, ठीक है ना, फरदोश ताल में कुल मात्राएं होती है, यहाँ पे यहां होना चाहिए, ठीक है, फरदोश ताल में कुल मात्राएं है 14, 12, 10, 8, क्या हो जाएगा, कई बार बताया है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, 14 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है, कितनी मात्रा, 14 मात्रा। 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर देखिए, पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या है? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, अभी मैंने बताया है, इसमें देखिए विलायत हुसैन खान, अलाउद्दीन खान, अमीर खान, बी आर चौधरी। तो इसमें पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खान थे, बेहद प्रसिद्ध सरोद वादक थे और ये मैहर घराने के थे, ठीक है,
सरोद सितार, मतलब ये बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है, और सितार भी बजाते थे, बांसुरी भी बजाते थे, मतलब यूं कहिए कि बेहद ही अच्छे कलाकार थे। मैहर घराने के संस्थापक भी रहे हैं और पंडित रविशंकर के गुरु इनको कहा जाता है, अलाउद्दीन खान को। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक काफी थाट का राग है, बागेश्वरी, बिहाग, मुल्तानी, जोग, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका जो है काफी थाट का राग बागेश्वरी है, ठीक है ना, बागेश्वरी काफी थाट का राग है। आगे चलेंगे, राग मुल्तानी किस जात का राग है? संपूर्ण औड़ो, औड़ो संपूर्ण, साड़ो साड़ो संपूर्ण संपूर्ण, तो इसमें दो स्वर आरोह में वर्जित रहते हैं, तो ये कौन हो जाएगा? औड़ो संपूर्ण, ठीक है, क्या होगा? औड़ो संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसमें आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक खुले बोल का ताल है, कौन सा खुले बोल का ताल है भाई? रूपक, सुर ताल, दीपचंदी ताल, पंचम बड़ी सवारी, ठीक है, बड़ी सवारी दे दिया है यहाँ पे, सूल ताल होता है, ठीक है। तो खुले बोल के ताल कौन है? ये भी कई बार मैंने बताया, इसमें खुले बोल का ताल जो है सूल ताल हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा? सूल ताल। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से एक ऋतुकालीन राग है, मियां मल्हार, बिहाग, हिंडोल, भोपाली, कौन सा एक ऋतु में गाया जाता है, एक मौसम के लिए प्रसिद्ध राग है? तो वो राग है मियां मल्हार, ठीक है ना, ये मल्हार यानी कि मेघ मल्हार, मियां मल्हार ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, सभी कोमल स्वर युक्त राग है, भैरव, भैरवी, काफी, भीम, पलासी, तो सभी जो हमारे चार कोमल स्वर है रे, ग, ध, नी, ठीक है, ये सभी जो कोमल स्वर है ये किस में लगते हैं? तो वो लगते हैं भैरवी में, ठीक है। सभी का मतलब होता है कि चार से ज्यादा होते नहीं है, इसलिए इसको सभी कहा जाता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफी में गानी कोमल हो जाएगा, बिम्फलासी में गधनी, और भैरव में रेधा कोमल होगा। यहाँ पे चलिए, रागांगों की कुल संख्या है, ठीक है, क्या दिया है? रागांगों की कुल संख्या, ठीक, रागांगों की कुल संख्या है 10, 19, 30, 27। तो नारायण मुरेश्वर ने रागांगों की संख्या कितनी बताई है? 30, ठीक है, 30। यहां चलिए, यहां देखिए, राग केदार में वादी संवादी स्वर है, सा और मा, मा और सा, रे और प, प और सा, तो इसमें राग केदार में आपके जो वादी और संवादी स्वर है वो ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा, ठीक है, मा वादी है और सा संवादी है, ठीक है ना, तो राग केदार का जो वादी संवादी है मा और सा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, भोपाली राग का आरोही है, मतलब आरोह क्रम, सारे गप ध सा, सारे मपन सा, सारे गम धनी सा, सागम अपन ईसा, ठीक है, तो इसमें राग भोपाली का क्या हो जाएगा? इसमें मा और रे नी वर्जित होते हैं, तो सारे गप धसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें नी भी लगा हुआ था और भूल बस मैंने उसको भोपाली बता दिया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दिमाग इधर उधर चला जाता है। तो भोपाली राग का आरोह क्या है? सारे गप धसा, कई बार मैं बताता हूँ, कभी कभी स्वर का हेर फेर हो जाता है दिमाग से, तो ये गड़बड़ हो जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे, संतूर वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया, विक्रम घोष, शिव कुमार शर्मा, विलायत खां, तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि संतूर वादक कौन है, बेहद प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन, परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? बिहाग, जय जयवंती, यमन दरबारी, कनाड़ा, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था परमेल प्रवेशक के बारे में, तो वो वीडियो अगर देखे होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। ये परमेल प्रवेशक राग जो एक थाट से दूसरी थाट में जाता है, जय जयवंती है, ठीक है, ये खमाज और काफी दोनों थाटों में गाया जाता है। वर्जित स्वर प वाला राग निम्नलिखित में से कौन सा है? प, जिसमें पंचम वर्जित हो,
भैरव, भैरव में भी प है, ठीक है। दुर्गा में सारे म प ध सा, इसमें भी आपका प है, काफी में भी प है, यहाँ पे मालकोंस में है जो है प वर्जित है, ठीक है, यहाँ पे म का प्रयोग हुआ है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्जित प वाला राग कौन है? मालकोंस है। ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? विष्णु नारायण भटखंडर, विष्णु दिगंबर, विष्णु पंडित रविशंकर, पंडित जसराज। तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक विष्णु नारायण भटखंडे जी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये कई बार बताया भी हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो कजरी उत्तर प्रदेश का एक लोक गीत है, ठीक है। गोरखपुर, मिर्जापुर, इस तरह बनारस, इन क्षेत्रों में ज्यादा गाया जाता है। यमन राग का वादी स्वर क्या है? यमन राग का वादी स्वर गा मा पा नी। तो राग यमन का वादी स्वर क्या हो जाएगा? वादी होता है गा और संवादी होता है नी, तो वादी पूछ रहा है तो यहाँ पे गा हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सात स्वर लगने वाले राग को कहते हैं, संपूर्ण जात, साड़ो जात, औड़ो जात, औड़ो साड़ो जात। तो सात स्वर वाले रागों को क्या कहते हैं? औड़ो साड़ो संपूर्ण वाले वीडियो देखे होंगे तो आसानी से बता सकते हैं, सात स्वर वाले राग को हम लोग संपूर्ण जात के राग कहते हैं, ठीक है। और साड़ो में 6 स्वर होते हैं, औड़ो में 5 स्वर होते हैं, औड़ो साड़ो की जहां तक बात होती है वहां पे 5-6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 स्वर रहते हैं। यहां देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? अस्थाई, अंतरा, संचारी, पकड़। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें है दूसरा भाग पूछ रहा है। तो जब हम लोग गाना गाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं, अस्थाई और अंतरा, ठीक है। तो जो मुखड़ा होता है उसको ही अंतरा कहते हैं, जो पहले हम लोग गाते हैं पहली लाइन, ठीक है, मुखड़ा। और जो फिर दूसरा हम लोग स्टेप में दूसरा जो पंक्ति, दूसरी जो लाइन हम लोग गाते हैं वो अंतरा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। यहां दिया है, सितार वादक विलायत खां के पिता का नाम है, इमरान खां, इनायत खां, रईस खां, अमजद खां। तो कौन है? सितार वादक विलायत खां के पिता का नाम हो जाता है इनायत खां। क्या? इनायत खां। बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी किसने रखा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, नजरुल, सचिन देव वर्मन, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी बकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बताया है, उन्होंने ही रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, ठीक है। केलुचरण, ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं? इसमें सही ऑप्शन क्या होगा वह बताइए। केलुचरण क्या हो जाएगा? केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली के लिए है? ये उड़ीसी के लिए, ठीक है ना। यहां दिया है, दो खाली युक्त ताल का नाम है, त्रिताल, चौताल, आड़ा चौताल, तीव्रा ताल, ठीक है। तो यहां देखिए, तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, 4 विभाग होते हैं, 1, 5, 13 पे ताली और 9 पे खाली होता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? दो खाली वाला, तो इसमें एक खाली मिला। 4 ताल में भी आपके 6 विभाग, 12 मात्रा होते हैं और 2 खाली होता है, सॉरी, हाँ 2 खाली, क्या पूछ रहा है? 2 खाली युक्त ताल का नाम, तो यहाँ पे 4 ताल हो जाएगा। आड़ा 4 ताल में 3 खाली होता है, तीव्रा ताल में 2, 1 खाली होता है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका चौताल हो जाएगा, ठीक है, चार ताल, दो खाली युक्त ताल, चार ताल हो जाएगा। ये देखिए, पंडित भीमसेन जोशी का घराना है मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना। तो पंडित भीमसेन जोशी का कौन सा घराना है? वो घराना है किराना घराना, सी ऑप्शन सही जाएगा। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल में अत्यधिक प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, इनमें से कोई नहीं। तो केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? कथकली, ठीक है, क्या है? कथकली, ठीक। यहां आ जाइए, अमजद अली खां किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? सितार, वायलिन, सरोद, तबला। अमजद अली खां किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सरोद वाद्य के लिए, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 40 नंबर, निम्नलिखित में से विषम पदी ताल कौन सा है? झप ताल, तीन ताल, एक ताल, चौताल। विषम पदी ताल का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे विभाग होते हैं, अगर प्रत्येक विभाग में समान मात्रा हो तो उसको समपदी कहते हैं, लेकिन अगर अलग अलग विभागों में मात्राओं की संख्या अलग अलग हो तो उसको हम लोग विषम पदी कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, झप ताल है, झप ताल में 10 मात्रा है, ठीक है, मात्रा तो 10 है लेकिन इसके विभाग में धी ना, धी ना, ठीक, धी धी ना, फिर ती ना, ती सॉरी धी धी ना, ठीक है। तो यहां देखिए, चार विभाग हो गए, एक दो तीन चार, लेकिन इसमें दो मात्रा, इसमें तीन मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे तीन ताल में देखेंगे तो इसमें चार चार मात्राएं हैं, क्या है? चार चार मात्राएं प्रत्येक विभाग में। एक ताल में देखेंगे तो दो दो मात्राएं हैं, ठीक है, दो दो मात्राएं हैं। और चौताल वही, हाँ, चार ताल हो गया, एक ताल में भी दो दो मात्राएं हैं, चार ताल में भी दो दो मात्राएं हैं, ठीक है, ठीक। धीना धी धीना, तीन धी धीना, तीन ताल, धाधीन धींधा, धाधीन धींधा, धातीन तीनता, ताधीन धींधा, ठीक है। और उसी तरह से आपके धीन धीन धागे तिरकट धुना, कत्ता धागे तिरकट धुना, धा धाधा दिनता, किड़धा दिनता, टिचकट गदिगन, चार ताल आपका हो गया। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया है, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस वाद्य का आविष्कार किया? सितार, सहनाई, रुद्र वीणा, सरोद, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये दिखाया जाता है रुद्र वीणा को, ठीक है ना। तानसेन को रुद्र वीणा का आविष्कारक माना जाता है। यहां एक क्वेश्चन दिया है, संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना हुई 1955 में, 1951 में, 1950 में, 1953 में। तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कहीं कहीं पे 1952 देता है, ठीक है, और कहीं 1953 देता है। तो यहाँ पे 1953 दिया है तो इसको हम लोग सही करेंगे, ठीक है, डी को। यहाँ पे दिया है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, इम्फाल में, गंगटोक में, कोहिमा में। तो मणिपुर एकेडमी जो है वो इम्फाल में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है ना। तो द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखे? यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, गीत चंद्रन, सरोजा विद्यानाथन। तो द साइंस ऑफ भरतनाट्यम के जो लेखक हैं वो है सरोजा विद्यानाथन, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये 45 नंबर क्वेश्चन आ गया, राग मालकौन किस समय गाया जाता है? रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का तृतीय प्रहर, रात्रि का चतुर्थ प्रहर। तो राग मालकौन जो है भैरवी थाट का राग है और इसको रात्रि का तृतीय प्रहर में गाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, सहनाई वादक बिस्मिल्ला खां को किस वर्ष भारत रत्न से अलंकृत किया गया? किस वर्ष में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2002, 2004, 2003, 2001। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 2002।
एक में, ठीक है ना, कब 2001 में इनको सम्मानित किया गया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। श्री राघवन नैयर नर्तक हैं, उड़ीसी के, कुचिपुड़ी के, मोहिनीअट्टम के, कथकली के। राघवन नैयर नर्तक हैं किसके, थोड़ा सा इसको देखिए आप लोग, सही ऑप्शन बताइए। श्री राघवन नायर नर्तक है कथकली के, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया है, इमदाद खां की वादन शैली किस अंग पर आधारित है, गायकी अंग, तंत्रकारी अंग, ठुमरी अंग, गत तोड़ा। तो किस अंग पे है, तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन, इमदाद खां वादन शैली किस अंग पर आधारित है, इनका जो वादन शैली है गत पे आधारित है, गत तोड़ा पे आधारित है। यहां पे 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, ताल विभागों को क्या कहते हैं, ठेका, मुखड़ा, अंग विभाग। तो ताल विभागों को विभाग ही कहते हैं, ठीक है, कितने विभाग हैं, विभाग मैंने बताया कि प्रत्येक जो हमारे ताल के बोल होते हैं वो सम और खाली के आधार पे अलग अलग भागों में बंटते हैं, ताकि प्रत्येक विभाग के जो बोल हो एक साथ बजते हैं, ठीक है, और वो खाली और ताली के हिसाब से उनका खंडन किया जाता है जो बोल होते हैं। भात खंडे स्वर लिपि में सम चिन्ह क्या है, 4x02 ऐसे। तो भात खंडे स्वर लिपि में आपका सम का जो चिन्ह होता है वो ऐसे, पहले हम लोग सम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, और खाली के लिए जीरो दिखाते हैं, ठीक है। तो सम ये हो गया और खाली आपका ये हो गया, ठीक है, और ये पहली ताली दूसरी ताली के लिए संख्या पे दिखाते हैं। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। रही बात पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने छोड़ा था उसको देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है, भरतकीत नाट्य शास्त्र कब रची गई, ठीक है, दूसरी शताब्दी, पांचवी शताब्दी, आठवीं शताब्दी, सातवीं शताब्दी। तो इसको बताया जाता है कि ये ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व पहले से, कभी कभी कहीं कहीं पे दिखाता है 200 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसवी शुरू होने से 200 वर्ष पहले, और कभी कभी बताया था कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है पांचवी शताब्दी में, ठीक है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन नाट्य शास्त्र की जब रचना हुई इसका कोई एकदम सटीक और सही जवाब कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ईसा पूर्व के है और ईसा पूर्व की जो बातें होती है क्लियर नहीं हो पाती है कि कब हुई थी, ठीक है। ये जानते हैं कि भरत की नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं जो विभिन्न रस, भाव, उपांग, क्रियांग सारी चीजों उसमें मतलब समाहित है। नाट्य शास्त्र बहुत बड़ी रचना है और इसको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है नाट्य शास्त्र को, ठीक है, और उसमें लंबी जो है 36 अध्याय है उसकी लंबी पूरी कहानी है, कैसे कैसे किस तरह से उसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के इस एमसीक्यू सीरीज में आप लोग कितना सही किए हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो ये भी बताइएगा, जैसा कि आप लोग कमेंट्स करके बताते भी हैं जो क्वेश्चन इधर उधर होता है तो, और अच्छा लगता है उसको देखकर, मैं अगले वीडियो में बताता भी हूँ। अगली बार जो एक दो क्वेश्चन थे जैसे भोपाली में नी नहीं लगता है और बाय मिस्टेक उसमें नी लगा हुआ था तो मैंने बता दिया भोपाली, तो वो भोपाली था नहीं। इससे पहले मैं कई बार बताया हूँ कि सारे गप धसा, कई बार मैं बताता हूँ कि भोपाली में ये स्वर लगते हैं, तो रागों की जो श्रृंखला है उसमें किस राग में कौन से स्वर वर्जित है, ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना कि इसका रोह क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, इसमें कौन किस थाट का है, बहुत सारे राग हैं, तो ये तो सभी के लिए कन्फ्यूजन युक्त होते हैं, इतना राग याद करना, उनका गायन समय, उनका थाट, उनका मतलब, इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी है।
चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।